आज हम बनाने जा रहे हैं लादी पाव। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1/4 कप पानी, डस्टिंग के लिए थोड़ा सा मैदा, मक्खन 1 टेबलस्पून, चीनी 1/4 टेबलस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, यीस्ट 1.5 टीस्पून। तो सबसे पहले हम यीस्ट को एक्टिव करने के लिए पानी को गर्म करेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया। पानी को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, इसको हल्का गर्म करना है। तो अब इसको हम एक्टिव होने के लिए यीस्ट को रखेंगे। चीनी डालेंगे, यीस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से और ऊपर से ये वार्म वाटर डाल के मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए एक्टिव होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, यीस्ट हमारी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गई है। अब हम डो बनाएंगे। सबसे पहले मैदा डालेंगे, नमक मिक्स करेंगे, ऐसे वेल बना के इसमें हम ये यीस्ट डालेंगे और यीस्ट को मिक्स करेंगे। स्क्रैपर की मदद से डो को इकट्ठा कर लेंगे और इसको अच्छे से नीड करना है। जितने अच्छे से हम नीड करेंगे हमारे पाव उतने अच्छे बनेंगे। डो हमने बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है और इसको कम से कम 15-20 मिनट नीड करना है। अब डो प्लेटफॉर्म पर चिटक रहा है, जब ये अच्छे से नीड हो जाएगा तो प्लेटफॉर्म से को छोड़ देगा। ये डो को हमने 15 मिनट नीड किया है। अब इसमें बटर डालेंगे 1-1 चम्मच, तो इसको फिर 5-7 मिनट और नीड करेंगे। बटर डालने से ये हाथ को नहीं चिपकेगा। डो को तकरीबन हमने 20-25 मिनट तक नीड किया है। अब इसको एक बॉल में डाल के हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको ढक के 1 घंटे के लिए प्रूव होने के लिए रख देंगे। ये 1 घंटे बाद हमारा डो पूरा प्रूव हो गया है। अब इसको जो पैन है जिसमें हमने पाव बनाने हैं उसमें पहले तेल लगाएंगे अच्छे से सब साइड्स पे और थोड़ा सूखा मैदा भी डालेंगे नीचे। अब इस डो को दोबारा थोड़ा नीड करेंगे। सूखा आटा थोड़ा हाथ पे मैदा लगा लेंगे, उससे डो को फिर अच्छे से नीड करेंगे। हल्का सा हाथों को तेल लगाएंगे ताकि चिपके नहीं। अब इसके इक्वल पार्ट्स कर लेंगे और बॉल्स बना के इस पैन में 1/2 घंटे के लिए फिर प्रूव होने के लिए रखेंगे। इसको ऐसे बॉल्स बना लेने हैं। ये हमने सब बॉल्स बना के पैन में रख लिए हैं। इसको अब 1/2 घंटा और प्रूव करने के लिए रखेंगे। इसको फिर ढक के रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटा हो गया है, ये हमारा डो अच्छे से प्रूव हो गया। अब इसको हम ऑयल लगाएंगे इस पे थोड़ा थोड़ा और अवन को हमने 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पे री हीट कर दिया है और अब इसको अवन में रखेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। ये ऑयल इसलिए लगा रहे हैं ताकि ऊपर से अच्छे से ब्राउन हो जाए। डो पे हमने सब तरफ ऑयल लगा दिया है। अब हम इसको अवन में रखेंगे जिसको हमने 10 मिनट पहले 200 डिग्री पे प्री हीट करके रखा था। 25 मिनट हो गए हैं, हमारे लाडी पाव तैयार हो गए हैं। ऊपर से देखिए ये कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं, तो अच्छे से ये फूल भी गए हैं। अब इनको ऊपर से हम बटर से कोटिंग करेंगे ताकि ये शाइन भी करें और नरम भी, ऊपर से नरम भी रहें। और इसके बाद इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पाव कितने सॉफ्ट बने हैं और काफी स्पॉन्जी हैं और आसानी से टूट भी जाते हैं।
और अंदर से भी अच्छे से बेक हो गए हैं और एकदम नरम सॉफ्ट हैं। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी लादी पाव। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।